चलते समय के साथ इतिहास धुंधला सा दिखने लगता है और ऐतिहासिक दस्तावेजों और सांस्कृतिक चीज़ों का महत्व मिटने लगता है। जब इतिहास का महत्व मिट जाता है तब संघर्ष को भी इंसान भूल जाता है। कुछ साल के बाद सिर्फ कुछ लोग बचते हैं जिन्होंने वो समय देखा होता है। आज मैं अनामिका आपको उस समय में लेकर जाऊंगी जब भारतीय सिनेमा अमेरिका और यूरोप में मशहूर हो रहा था। प्राचीन कथाओं पर बने चलचित्र के प्रतिसाद को देखते हुए यूरोपियन फिल्म मेकर्स भारत की तरफ खींचे आ रहे थे। उनमें से एक थे जर्मनी के फ्रांस ऑस्टिन, जिन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता हिमांशु राय के साथ मिलकर बहुमूल्य मुखपट और बोलपट फिल्में दी थी। पर एक फिल्म में जितना महत्व हीरो को होता है उतना ही महत्व हीरोइन को भी होता है। पर वो जमाना था 1924। उस वक्त मात्र 5-6 अभिनेत्रियां फिल्म जगत में थी, पर निर्माता हिमांशु राय को तलाश थी एक ऐसे कलाकार की जो अभिनेत्री के रूप में हर प्रकार के किरदार को पर्दे पर लाए और आकर्षक दृष्टों को भावपूर्ण तरीके से निभाए। ऐसे में रेनी स्मिथ नामक युवती ने इस चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाया और सिनेमा जगत में सीता देवी के नाम से अमर हो गई। सीता देवी उर्फ रेनी स्मिथ का इतिहास आज पूरी तरह से फीका पड़ा है। आज देविका रानी को तो लोग याद कर लेते हैं, पर सीता देवी का नाम किसी के भी जुबान पर नहीं आता। 1912 में जन्मी रेनी स्मिथ एक एंग्लो इंडियन थी जो हिंदुस्तानी भाषा समझती तो थी पर बोल नहीं पाती थी। फ्रांस ऑस्टिन और हिमांशु साहब एक बिग बजट फिल्म का निर्माण कर रहे थे। फिल्म के रिलीज के पहले प्रसिद्धि मिल रही थी। फिल्म का नाम था द लाइट ऑफ एशिया। 1925 में गौतम बुद्ध पर बनी ये फिल्म भारत में प्रेम संन्यास के नाम से रिलीज की गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म होने के चलते सीता देवी रातों रात सुपरस्टार बन गई। उनकी प्रसिद्धि न सिर्फ भारत में रही बल्कि अमेरिका यूरोप में भी फैली। इस फिल्म के बाद सीता देवी ने कुल 12 फिल्मों में काम किया, पर जो कामयाबी प्रेम संन्यास को मिली वो किसी भी फिल्म को नहीं मिली। हालांकि 1928 में फिल्म शेषराज ने कमाल जरूर किया, पर अभिनय से ज़्यादा फिल्म के स्क्रिप्ट और स्टोरी को चारों तरफ से तारीफ मिली, और यही हाल फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस का भी रहा। 1929 में रिलीज की गई ये फिल्म महाभारत की एक कहानी का रूप था। फिल्म तो सुपर हिट रही पर सीता देवी ने दिए किसिंग सीन से भारत में हड़कंप मच गया। कहीं ना कहीं हिमांशु राय ने सीता देवी को प्रसिद्ध करने में सहयोग किया था। पर जैसे ही बोलपट का जमाना आया तब साइलेंट फिल्मों का सूरज भी डूब गया, और डूबते सूरज के तरह सीता जी का करियर भी डूब गया। खूबसूरती, अदाकारी, ये चीज़ें तो सही थी, पर हिंदुस्तानी भाषा न बोल पाना ये सीता देवी के फिल्मी करियर के अंत की वजह बनी। 1932 के बाद सीता देवी ने फिल्म जगत से संन्यास लिया और उनके कदम फिल्म जगत की तरफ कभी नहीं मुड़े। 1983 में उनका देहांत हो गया, पर भारतीय फिल्मों को यूरोप तक पहुँचाने का जितना श्रेय हिमांशु राय को मिला उतना सीता जी को अब तक नहीं मिला है। फिल्म जगत की कही अनकही कहानियाँ सुनाने मैं आपकी आरजे अनामिका आती रहूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करिए और इस अनसुनी कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।